फरियादी ने कोई पण प्रकारनो लाभ आपवामां आव्यो न हतो त्यारे फरियादी ने खबर पड़ी कि तेनी साथे छेतरपिंडी थई छे। फरियादीए तरत ज बोरीवली पोलीस स्टेशनमां छेतरपिंडीनो केस नोंधाव्यो हतो अने बोरीवली पोलीसे केस नोंधीने तपास शुरू करी छे। ए तपासमां सामे आव्युं छे कि आरोपी टेलिग्राम उपर ग्रुप बनावतो हतो अने लोकोने टास्क आपतो हतो जे कार्य पूर्ण करवा माटे उपयोग करे छे। ट्रस्ट बनावा माटे तेमना खातामां 50-100 रुपया ट्रांसफर पण करावामां आव्या हता। ट्रस्ट बन्या बाद आरोपी शेरबजारमांथी सारो नफो आपवाना नामे लाखो रुपया लेतो हतो तेमज टास्कने मोटू करवा माटे तेओ पेड टास्क आपता हता। परंतु त्यां सुधीमां फरियादीने खबर पड़ी गई हती त्यां सुधी आरोपी लाखोनी छेतरपिंडी करीने फरार पण थई गयो हतो। तपास दरमियान बोरीवली पोलीसने खबर पड़ी कि आरोपीओए मारवेमां सोनानी दुकानमांथी छेतरपिंडी करीने सोनू खरीद्यु हतु। पोलीसे सीसीटीवी द्वारा सोनानी दुकाननी तपास शुरू करी हती। बोरीवली पोलीसने गुप्त माहिती मळी हती कि आरोपी मानसरोवर बिल्डिंग मालवणी मलाड वेस्टमां आववानो छे। बोरीवली पोलीसे छटकु गोठवीने आरोपीनी धरपकड करी हती जेनुं नाम मोहम्मद इमरान जमल मोहम्मद छे जे मलाड पश्चिम मालवाणीनो रहेवासी छे। बोरीवली पोलीसे तपास करी रही हती कि शुं आ आरोपीए टास्कना नामे अने शेरबजारमां सारो नफो आपवाना नामे छेतरपिंडी करी छे, तेमनी गेंगमां अन्य कोण कोण शामिल छे। एक फिर्यादी है जिनको ऑनलाइन टास्क के माध्यम से 7,46,000 ऑनलाइन चीटिंग हुआ था, जिसके इन्वेस्टिगेशन के चलते आरोपित इमरान जमाल मोहम्मद, ये जो तमिलनाडु का रहने वाला है, वो चीटिंग के पैसे से मालाड एरिया में आके उससे गोल्ड खरीदी करता था और बाद में उसका USDT में पैसा बना के दुबई और मलेशिया भेजता था। तो जैसे हमको खबर मिला तो हम CCTV फुटेज वगैरह से उसका हमने एक चेहरा निकाला था जो हमने हमारे गुप्त बातमीदारों को बताया था। उसके बाद में हमको खबर मिला कि वो 28 तारीख के दिन मालवनी मालाड परिसर में आने वाला है, तो हम वहाँ पे जाके उसको ट्रैप करके पकड़ के कोर्ट के सामने पेश किया है और 5-3 तक उसका पुलिस कोठड़ी मिला है। सर, ये जो आरोपी है किस चीज़ का टास्क देता था और किस तरह से फ्रॉड करता था, इसका मोडस क्या होता था? ये आरोपी का मेन टास्क था कि लोगों को शेयर मार्केट में या कोई प्रीपेड टास्क देता था, जिससे कि लाइक आप एक लाइक करोगे तो आपको 50 रुपये मिलेगा, 2 लाइक करोगे 100 रुपये मिलेगा, ऐसा करके शुरुआत में आपको टास्क के पैसा देता था। उसके बाद में जैसे ही लोगों का यकीन उसके ऊपर बैठता है तो उसके बाद में वो लोग उनको प्रीपेड टास्क लेने को बोलते हैं, मतलब आप इतना टास्क लोगे तो आपको इतना उसमें मुनाफा होगा, ऐसा करके वो टास्क 100% कंप्लीट करते करते और बड़ा बड़ा टास्क खरीदने को बोलते हैं और वो सब पैसा हजम कर जाते हैं। अभी तक कितना केस, कितने लोगों को इसने आरोपी ने ठगा है और क्या क्या उसके पास से रिकवर हुआ है? अभी तक तो हमारे मालूमत में उन्होंने कर्नाटक में एक जगह पे वो किया है जिसका ऑनलाइन पे कंप्लेंट दिखाई दे रहा है, हमने वहाँ पे उनको बताया है और वो भी आगे का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। सर, जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जो ये टास्क होता है जो टेलीग्राम के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप के जरिए लोग जो ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करते हैं, ठगी से बचने का कोई तरकीब? ऑनलाइन से कोई भी आपको अगर बोलता है कि आप घर बैठ के पैसा कमाओ, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाओ, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। कोई लिंक आएगा तो लिंक को क्लिक नहीं करना है। कोई भी अनजान आदमी आपको अगर कोई ज़्यादा मुनाफे का कोई शेयर मार्केट का लिंक देने वाला है या तो वो बोलता है कि मैं आपको अच्छे खासा नफा मिला के दूंगा, तो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। और अगर इन केस आपके साथ कोई साइबर ठगी होती है तो जल्द से जल्द 1930 पे कॉल करना है। अगर उस पर कॉल नहीं हो पा रहा है तो cybercrime.gov.in यह वेबसाइट के ऊपर आपको कंप्लेंट करनी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये साइबर ठग के साथ क्या है, वो अकेला करता था या इसके ग्रुप में या गैंग में कोई और भी लोग शामिल है? ये अकेला नहीं करता है, इसके साथ में और भी उसके पार्टनर है, एक मलेशिया में स्थित है, एक दुबई में स्थित है और एक मालवनी में देख ले एक बंदा है, मालवनी में भी एक बंदा है, ऐसे मतलब सब लोग मिलके काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे अभी चल रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से, मतलब हमने उसमें जो एक्यूज ने डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ किया था वो हमने रिकवर कर लिया है और कुछ USDT उसने खरीदा था वो भी अकाउंट में फ्रीज मारा है।